स्टेन में भारी बमबारी उसकी ओर से की गई है। ओवरुक में भी हमले तेज कर दिए गए हैं रूस ने, और रूसी हमले में कई घर तबाह कर दिए गए हैं। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से भीषण तबाही वहां पर हो रही है। सीसीटीवी में ये कैद वीडियो आपको सब कुछ बता देगा आखिर किस तरीके से भीषण तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। रूस का कोई भी कोना ऐसा बचा नहीं है जो रूस के यूक्रेन का कोई भी कोना ऐसा बचा नहीं है जो रूस छोड़ना चाहता हो। ऐसे में भीषण तबाही उसकी ओर से लगातार गोले बारूद दागे जा रहे हैं, और अब यहां पर कोई भी आम नागरिक बचा भी नहीं है क्योंकि सब कुछ हर कोई पलायन कर चुका है। और धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्रों पर उसकी पैठ अब बढ़ती जा रही है, और दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ भी वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर में है कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, और यूक्रेन की राजधानी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति की पुतिन से बातचीत हुई है। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से बात भी की गई है। रूस और तुर्की के राष्ट्रपति के बीच में ये बात हुई है क्योंकि लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तनाव की स्थिति बनी हुई है। और अगर आपको याद होगा तो तुर्की ने यह भी कह दिया था कि वो रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद नहीं करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं तुर्की का झुकाव रूस की ओर देखने को मिल रहा था। और अब रूस और तुर्की के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत भी हुई है, तो उस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त नाराज है, एक तरीके से कह सकते हैं जो नेटो नेशंस है, वेस्टर्न नेशंस है, वो एक तरीके से पूरी तरीके से रूस से खफा है। ऐसे में कई तरह के आर्थिक पाबंदियां भी उसकी ओर लगाई जा रही है, और यहां पर तुर्की के राष्ट्रपति की बातचीत हुई है पुतिन के साथ। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से बातचीत हुई है क्योंकि हर कोई चाहता है कि शांति पूर्ण तरीके से अब पूरा जो मसला है वो सुलटा लिया जाए, क्योंकि भीषण तबाही यहां पर यूक्रेन ने देख ली है, और यूक्रेन लगातार बर्बादी की कगार पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भीषण तबाही देखने को मिल रही है। घर, रिहायशी इमारतें, सरकारी इमारतें, सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है।